एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर मनीषा रानी ने एल्विश की कमर को दबाया। जी हाँ, इतना कुछ बवाल होने के बावजूद भी मनीषा एल्विश के साथ अपनी दोस्ती को निभा रही हैं, और ऐसे में एल्विश ने भी मनीषा से बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ हुआ है, चलिए हम आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर एल्विश के पापा ने आकर बेशक काफ़ी कुछ उल्टा सीधा मनीषा के लिए बोला, उसको फूअड़ बोला, उसके लिए ये बोला कि तुम दूर रहो मेरे बेटे से, अच्छा नहीं लगता है जिस तरह से तुम हर वक्त उसके चिपकती रहती हो। लेकिन मनीषा टूटी रोई, पर अब फाइनली मनीषा ने अपने आप को संभाला भी है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि लाइव फीड में मनीषा एल्विश के पास गई। एल्विश बिग बॉस ओटीटी वाले एरिया में लेटा हुआ था। वहां पर मनीषा ने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है तुझे, जिसके बाद मनीषा ने जब ये पूछा तो एल्विश ने कहा कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ऐसे में यहाँ पर मनीषा ने अपने हाथों से एल्विश की कमर को दबाया, और ऐसे में एल्विश ने यह भी कहा कि तेरे जैसा दोस्त सच में इस घर में मेरा कोई नहीं है यार, अगर तू नहीं होती तो मेरा ख्याल कौन रखता। और इस पर मनीषा ने उससे कहा, देख हमें बता दे जो भी तकलीफ हो, हम यहाँ पर हैं तेरे लिए। और मनचले जी, तुम्हारे पापा हमको जो बोल के गए ना, हमें थोड़ा हर्ट ज़रूर हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, इस घर के अंदर तो हमारी दोस्ती सुपर हिट है ही ना, और हम ऐसे ही हैं, हमारे दिल में जो होता है हम बोल देते हैं। जिस पर एल्विश ने साफ साफ कह दिया, अरे तू उनकी बात का बुरा मत मान, उनके बोलने का मतलब वो नहीं था। वेल दोस्तों, अब क्या कहेंगे आप इस पर, हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।